दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आज की यानी कि 21 मार्च 2022 सोमवार की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और सभी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 21 मार्च की 5 विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन करने का आपके लिए सुनहरा और बड़ा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हो। महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 5 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की यानी कि 21 मार्च 2022 की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। पशुपालन विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें लाइव स्टॉक असिस्टेंट की। पशुधन सहायक की भर्ती निकली है। 1136 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 19 मार्च 2022 थी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 17 अप्रैल 2022 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 17 अप्रैल 2022 है। एग्जामिनेशन की डेट 4 जून 2022 है। बात अगर यहाँ पर इसकी सैलरी डिटेल की जाए तो 26,300 से 85,500 है लेवल 8 के अंतर्गत। 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है। बात अगर एप्लीकेशन फीस की जाए तो यहाँ पर जनरल OBC के लिए ₹450 है। OBC NCL के लिए भी 350 है। SST के लिए 250 है। करेक्शन चार्ज यहाँ पर ₹300 है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई मित्रा कियोस्क के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर इसकी सिलेक्शन डिटेल की जाए तो रिटर्न एग्जाम के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। rsmssb.rajasthan.gov.in और sso.rajasthan.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। बिजली विभाग के अंतर्गत भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें जूनियर इंजीनियर ट्रेनी JEE की। वैकेंसी जॉब कैटेगरी वाइज इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF से चेक कर सकते हो। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो ऑनलाइन आवेदन इस भर्ती के लिए 25 मार्च 2022 से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 18 अप्रैल 2022 है। ऑनलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 18 अप्रैल 2022 है। ऑफलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट 20 अप्रैल 2022 है। बात अगर एग्जाम डेट की जाए तो 4th week of May 2022 में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। बात अगर सैलरी की जाए तो यहाँ पर 44,900 है लेवल 7 के अंतर्गत। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस UR OBC NCL या EWS कैटेगरी के लिए ₹1180 है। SST कैटेगरी के लिए ₹826 है। PH कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹12 एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या चालान से ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया की जाए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। UP जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। upenergy.in/UPPCL ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत भर्ती निकली है। पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर की। यहाँ पर भर्ती निकली है। 107 वैकेंसीज है। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन इसके लिए 15 मार्च 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 6 अप्रैल 2022 है।
फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 6 अप्रैल 2022 है। बात अगर यहाँ पर इसकी सैलरी डिटेल की जाए तो लेवल 7 के अंतर्गत सैलरी यहाँ पर प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल की बात की जाए तो बैचलर ऑफ प्लानिंग या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस या मास्टर इन प्लानिंग या मास्टर इन टाउन प्लानिंग या मास्टर इन रीजनल प्लानिंग या मास्टर इन अर्बन प्लानिंग या मास्टर इन सिटी प्लानिंग या मास्टर इन कंट्री प्लानिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 37 वर्ष है मेल कैंडिडेट्स के लिए, जबकि 21 से 40 वर्ष है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये फीस है। एससी एसटी फीमेल जो बिहार के हैं उनके लिए 200 रुपये फीस है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया की जाए तो इसमें आपका रिटर्न एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। bpsc.bih.nic.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत भर्ती है। मेडिकल स्पेशलिस्ट की पोस्ट है। 458 वैकेंसी इसके लिए निकली है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन इसके लिए स्टार्ट होंगे 23 मार्च 2022 से। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 21 अप्रैल 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 21 अप्रैल 2022 है। करेक्शन की डेट 12 से 26 अप्रैल 2022 है। बात अगर यहां पर इसकी सैलरी डिटेल की जाए तो 67,300 लेवल 13 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 25 से 35 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी जो छत्तीसगढ़ के हैं उनके लिए 300 रुपये है, ऑल अदर के लिए 400 रुपये है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और चालान या क्योस से जमा करा सकते हो। बात अगर सिलेक्शन प्रोसेस की जाए तो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। psc.cg.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहां पर 5 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पंजाब नेशनल बैंक में। पीएनबी के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पियोन की पोस्ट है। यहां पर वैकेंसी आप कैटेगरी वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 28 मार्च 2022 है। सैलरी 14,500 से 28,145 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन डिटेल की अगर बात की जाए तो इस भर्ती के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 24 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। मेरिट से चयन किया जाएगा। इस भर्ती के लिए भी आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। बुर्दवन कोलकाता वेस्ट बंगाल जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। pnbindia.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 21 मार्च 2022 की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी आप यहीं से कर सकते हो। सभी भर्तियों के लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके मन में अभी इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अंत में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।